नमस्कार साथियों, अगर आपका कोई भी ऐसा पेपर है जहां पर कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। 25 क्वेश्चन है इसके अंदर, 25 में से अगर आप 15 या उसके ऊपर स्कोर करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर नेटवर्क का जो सेक्शन है वो ठीक ठाक पढ़ लिया है। तो ये जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है, ये काम करेगा IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, BRSTET कंप्यूटर साइंस के लिए और RRB Scale 2 IT ऑफिसर के लिए, जो भी ऐसा पेपर जहाँ पर कंप्यूटर साइंस आता है, जहाँ पर बीटेक CSE वाले, IT वाले या MCA वाले अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 25 क्वेश्चन है, मैं सवाल को पढ़ूंगा, उसके बाद 3-4 सेकंड के पॉज पे मैं जवाब बता दूंगा। आप नोट डाउन कीजिए कि 25 में आपका सही कितना होता है। पहला सवाल है जी, द फिजिकल लेयर कंसर्न्स विद, इसका सही जवाब है 1 का ए सही जवाब है, बिट बाय बिट लेयर, सॉरी डिलीवरी, बिट बाय बिट डिलीवरी। दूसरा सवाल आपके सामने आ गया, विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क, इस नाम का अपना एक सब्जेक्ट भी लगता है इंजीनियरिंग में। 2 का सही जवाब है सी, ऑप्टिकल फाइबर। तीसरे सवाल पर चलेंगे, 10 मिनट के अंदर हम वीडियो को खत्म कर देंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल जाएगा इसमें। बिट्स कैन बी सेंड ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय, आपको मॉड्यूलेशन अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तीसरा का सही जवाब है ए, डिजिटल मॉड्यूलेशन। चौथा सवाल आपके सामने आ गया जी, द पोर्शन ऑफ फिजिकल लेयर डेट इंटरफेसेस विद द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर इज कॉल्ड, फिजिकल लेयर का वो हिस्सा जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के साथ जुड़ता है उसे क्या कहते हैं। चौथा का सही सवाल जवाब है ए, फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर। अभी हम लोग 5वें सवाल पे चलेंगे, हेयर कम्स द 5th क्वेश्चन, फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, इसका सही जवाब है डी, ऑल अबव मेंशनड। छठे सवाल पे हम लोग जा रहे हैं, इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, जब एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन होता है तो फिजिकल लेयर वहां पर क्या प्रोवाइड कर रहा होता है। 6 का आप सभी ऑप्शन को पढ़िए, मैं आपको सही जवाब बताता हूं 3-4 सेकंड में। 6 का सही जवाब है सी, बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल। 7वें सवाल पे आप वीडियो को पाउज कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ नोट डाउन करना है, कुछ लिखना है अपनी साइट पे। 7वां सवाल आ गया जी आपके सामने, फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर, आपने सारा लेयर साथ आपने पढ़ लेना अच्छी तरह से, क्योंकि वहां से सवाल तो आना ही आना है। फिजिकल लेयर क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3 है और एक ऑल अबव वाला है, तो आप थोड़ा सोच के जवाब कर दीजिए। 7वां का सही जवाब है डी, ऑल अबव मेंशनड। 8वें सवाल पे हम लोग जा रहे हैं, फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द, ठीक है, फिजिकल लेयर ट्रांसलेट करता है लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट को, कहाँ से करता है इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन, कहाँ से लेकर के वो उसको ट्रांसलेट करता है। ये आसान सवाल है ये भी, फिजिकल लेयर के नीचे वाला लेयर देखिए आप, इसका सही जवाब है डेटा लिंक लेयर, 8 का ए सही जवाब है। 9वें सवाल पे हम लोग चलते हैं, द सिग्नल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय, ये भी आसान सवाल है, जिन्होंने बेसिक्स पढ़ा हुआ मुझे लगता है कि 25 में 20 प्लस जाएगा उनका स्कोर। 9 का सही जवाब है सी, मल्टीप्लेक्सिंग। 10वां सवाल आ गया जी हमारे सामने, वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डन वाया, वायरलेस ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, ये तो बेहद आसान सवाल है, पर ये सवाल आ चुका है मैं पहले, इसलिए मैंने कहीं से देख करके डाला है। 10 का सही जवाब है डी, ऑल अबव मेंशनड। 11वां सवाल आ गया जी आपके सामने, द नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विद, नेटवर्क लेयर किसके साथ जुड़ा हुआ है,
ग्यारह का सही जवाब है सी, पैकेट्स के साथ। बारहवां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, इनमें से कौन है जो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है, बात पे ध्यान दीजिए। बारहवें का सही जवाब है डी, नन ऑफ एबव मेंशनड। तेरहवें सवाल पे चलते हैं, हेयर कम्स द 13th क्वेश्चन, द 4 byte आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, 4 byte का जो आईपी एड्रेस है वो कंसिस्ट करता है, बोथ नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस, 13 का सी सही जवाब है। 14वें सवाल पे हम लोग चलते हैं, इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कॉन्टेंट्स, इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कॉन्टेंट्स, पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है। चौदह का सही जवाब है शॉर्ट वीसी नंबर रहता है उसके अंदर। 15वां सवाल आ गया जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग एल्गोरिदम कैन बी यूज फॉर नेटवर्क लेयर डिजाइन। पंद्रहवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए और जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है, 15 का सही जवाब है ऑल अबव मेंशनड, 15 का डी। 16वां सवाल आ गया जी आपके सामने, मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग इज, मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग क्या है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें डाटा इज नॉट सेंड बाय पैकेट्स होता है, 16 का सी, मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग अगर आप पढ़ेंगे तो डाटा इज नॉट सेंड बाय पैकेट, 16 का सही जवाब है सी। अभी हम लोग 17वें क्वेश्चन पर जा रहे हैं, ए सबसेट ऑफ ए नेटवर्क दैट इंक्लूड्स ऑल द राउटर्स बट कंटेन्स नो लूप, इसका जवाब दो भाई। ए सबसेट ऑफ ए नेटवर्क दैट इंक्लूड्स ऑल द राउटर्स बट कॉन्टेंट्स नो लूप, इसका सही जवाब है ए स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री अच्छे से पढ़ के जाना। 18वां है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज नॉट यूज्ड फॉर कंजेशन कंट्रोल, नॉट है ध्यान रखना। 19वां सवाल आ गया जी आपके सामने, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। 20वां सवाल आपके सामने आ गया, ICMP इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, ICMP प्राइमरली किसके लिए यूज होता है। बीस का ए सही जवाब है एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस। 21वें सवाल पर हम लोग चल रहे हैं, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट्स देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन, तो डेटा लिंक लेयर जो है वो पैकेट्स किससे लेता है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब है ए नेटवर्क लेयर, ठीक है जी। हम लोग 22वें सवाल पर चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर कौन सा काम नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा डी कोडिंग, 22 का सही जवाब है डी। 23वें सवाल पर चल रहे हैं, द सब लेयर ऑफ द डाटा लिंक लेयर परफॉर्म द डाटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए क्योंकि सेंटेंस लंबा हो गया, विच सब लेयर ऑफ द डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर के अंदर के सब लेयर की बात हो रही है। देखिए हर लेयर के अंदर सब लेयर है
और उसको भी जो मेन मेन लेयर है उसके सब लेयर्स को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तो डाटा विच सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डाटा लिंक फंक्शन, डाटा को लिंक करने डाटा लिंक फंक्शन को परफॉर्म करता है, डेट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मीडियम। ठीक है, जो मीडियम के टाइप पर भी डिपेंड करता है। टाइम लीजिए, सोचिए, 3-4 सेकंड में आपको जवाब बता दूंगा। इसका सही जवाब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, 23वां का 23rd क्वेश्चन का बी सही जवाब है, 23rd का बी। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो भले 10-15 मिनट की हो लेकिन इसको बनाने में घंटों लग जाता है, कंटेंट को तैयार करने में और वीडियो क्रिएट करके अपलोड करने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे जो आपके नोन हैं जहाँ पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम 24वां क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर ऑफ ए फ्रेम जनरली कॉन्टेंट्स, फ्रेम का जो हेडर होता है उसमें जनरली क्या होता है। इसका सही जवाब है 24 का सही जवाब है डी, ऑल अबव मेंशनड। हम लोग 25वें क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जितना भी सही होता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, जितना भी आपका सही हो रहा है दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी लिख सकते हैं। 25 का मैं आपको सही जवाब बताता हूँ, 25 का सही जवाब है ए, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। तो यहाँ पर हमारा ये सेट खत्म होता है दोस्तों, हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं, लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जब तक CTET STET IBPS SO का पेपर नहीं हो जाता है कंप्यूटर साइंस का, तब तक हम लगातार कंप्यूटर साइंस के बेस पर वीडियोस प्रैक्टिस सेट बनाते रहेंगे। थैंक यू।